पहली बार कुछ नेगेटिव कर रही हूँ, और थोड़ा बहुत जो पहले किया था नेगेटिव, इट वाज ऑलवेज लाइक एक जस्टिफिकेशन होती थी, इसमें कुछ नहीं है, इसमें सिर्फ कैरेक्टर ही ब्लैक है मेरा. आई एम लविंग इट सो मच. क्रिएटिव डायरेक्टर मुश्ताक को मैं काफ़ी देर से जानती हूँ, तो उन्होंने मुझे फ़ोन किया कि जूही मेरे पास एक ऐसी उनके वर्ड्स में कि क्या फिल्म है और क्या रोल है, वो तुम्हें सुनना पड़ेगा. सो लाइक ओके, ज़रूर, यू नो, लेट मी हियर इट. When you were thinking of casting somebody opposite Madhuri ji, of course the idea was to cast somebody who is an equal or somebody bigger than her. To find somebody bigger than her is impossible. So we decided to find somebody who's equal, who's been a contemporary, and that's Juhi ji. Soumik sir came and he narrated the whole thing, beginning to end. Puri suna di mujhe. I found it very interesting, magar very shocking, क्योंकि I was like at the end of the script मैंने कहा मगर मैं ये role कैसे कर सकती हूँ, ये तो मेरे लिए नहीं लिखा गया है, ये तो पता नहीं आप लोगों ने सोचा भी कैसा कि मैं ऐसा करूँगी. पहले उनसे पूरी script चेंज करवाई, मैंने बोला नहीं, मुझे आप लोगों ने script लिखी थी मगर तब आपने मेरे बारे में नहीं सोचा, अब अगर मैं कर रही हूँ तो ये सोच के फिर से लिख के आइए. तो उन्होंने सारे सीन्स ना थोड़े से सॉफ्टन कर दिए. द रीज़न of taking it to Juhi, which I figured it would be a great idea, is that she has never done anything like this in her life. And to pitch her something that she's never done, which is to play an out and out villain, would be a novelty. फिर मैंने जब स्क्रिप्ट सुनी तो उसमें कोई मज़ा ही नहीं आया. मैंने नहीं, जो हो जैसा आपने पहले लिखा था ये वैसा ही होना चाहिए, मैं करूँगी और मैं वैसा ही करूँगी जैसे आपने पहले लिखा. The kind of events that happen, language जो बोली जाती है, दो तीन बार उनको रोक रोक के कह रही थी कि आपकी फिल्म में क्या कोई भी सीधा आदमी नहीं है, मतलब सभी टेढ़े हैं. It's got a lot of punchiness, it's got zing in it. चप्पल फाड़ के दे सकते हैं, चप्पल फाड़ के भी सकते हैं. आती हूँ मैं अपने गैंग को देखती हूँ, मैं बोलती हूँ ये हम लोग दूर दूर से ही खराब लोग लगते हैं ना, मतलब कुछ सच्चा काम करते ही नहीं होंगे, चकले ऐसी है. मजा आया क्योंकि ऐसे सीन्स मैंने सिर्फ कभी देखे होंगे फिल्म में कहीं, मगर कभी किए नहीं. द होल एटीट्यूड, दोस लाइंस आई रियली एंजॉयड डूइंग, क्योंकि रियली आई हैव नेवर डन दिस बिफोर. शर्मा जी, क्या आ रहा है?